आश्रम, ये एक अगस्त मुनि थे, उनके शिष्य थे, उनके गुरुकुल में रहते थे। ये थोड़ा पोएटिक फॉर्म में है, स्टोरी वाइज नहीं है। अगस्त मुनि के आश्रम में सुतीक्ष्ण नाम का एक शिष्य था। बचपना था, बच्चा बुद्धि थी, पर प्रभु भजन में लीन था रहता। मुनि एक दिन बाहर जा रहे, सुतीक्ष्ण को बुलाया और बोले, सेवा करना रोज शालिग्राम की, नहलाना चंदन लगाना तुम इन्हें। अगले दिन नदी के तट पर पहुंचा सुतीक्ष्ण शालिग्राम को लेकर। देखा तट पर जामुन का पेड़ है, पके जामुन लगे हुए उस पर। कैसे जामुन को तोड़ा जाए, बालक बुद्धि थी लगाई। शालिग्राम को मारा फेंक कर, कुछ जामुन थी नीचे आई। जामुन तो मिल गई पर शालिग्राम चले गए नदी में। गुरु जी से अब क्या कहूँगा, सुतीक्ष्ण तब मन में सोचे। पके हुए एक बड़े जामुन को शालिग्राम की जगह रख दिया। उस पर उन्होंने फिर लगाया घिसकर चंदन का एक टीका। अगस्त मुनि जब वापस आए, शालिग्राम की पूजा की तो कपड़े से साफ करने लगे, पानी से नहलाकर उनको। जामुन का छिलका उतर गया, समझ गए करतूत ये किसकी, परंतु अंदर से जानते वो बालक बुद्धि थी, ये सुतीक्ष्ण की। बड़े हुए सुतीक्ष्ण जब, तब मुनि ने गाय चराने भेजा उनको। प्रभु भजन में मगन उनका मन, गाय चर रही खेतों को। रोज रोज होने लगा ऐसा, गुरु अगस्त थोड़ा अधीर हुए। समझ में उनकी ना आ रहा, मैं इसको समझाऊं कैसे। एक दिन सुतीक्ष्ण को बुलाया, कहने लगे, सुतीक्ष्ण तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, जा सकते हो घर तुम अभी। सुतीक्ष्ण बोले, गुरु जी अगर शिक्षा हो गई पूरी मेरी, बदला ये क्या गुरु दक्षिणा दो, जाऊंगा मैं उसके बाद ही। गुरु जी फंस गए ये सुनकर। एक युक्ति आई था मन में, बोले, सुतीक्ष्ण गुरु दक्षिणा में मिला देना तुम मुझे प्रभु से। हाथ जोड़ सुतीक्ष्ण चला गया। नजदीक ही कुटिया एक बनाई, बहुत समय बीत गया था प्रभु भजन करते करते ही। इधर राम सीता और लक्ष्मण वन वन में जब भटक रहे थे, प्रभु आए निकट। एक वन में सुतीक्ष्ण ने ये सुना कहीं से, प्रभु की भक्ति में लीन हुआ खुशी में, वो तो नाचे गाए वृक्ष की ओर से देख रहे प्रभु नजदीक भक्त के जब वो आए। मन में राजा राम रूप की छवि बैठा रखी सुतीक्ष्ण ने, जड़ हो गया था वो वहीं पर दर्शन पाकर मन में प्रभु के। भगवान उसको हिलाए डुलाए पर था दी प्रभु में सुतीक्ष्ण तो। विराट रूप दिखाया मन में तो घबराकर उठ खड़ा हुआ वो। प्रभु को अपने सामने पाकर होश न रहा, उसे अपना प्रभु ने गले लगाया, उसको उसके लिए तो ये एक सपना। कुटिया में ले गया प्रभु को, जल पिलाया, स्वागत किया उनका। प्रभु कहे, हे सुतीक्ष्ण वर मांग लो अपने मन का। सुतीक्ष्ण कहे, हे प्रभु मुझे वर मांगना नहीं है आता, मैं तो एक मूढ़ मूर्ख हूँ, बस आपका दर्शन मुझको भाता। प्रभु कहे, निष्काम भक्ति मेरी, मैंने तुम्हें ऐसे ही दिल दी। सुतीक्ष्ण कहे, तो हे प्रभु अब एक फरियाद सुन लो तुम मेरी। सीता जी और लक्ष्मण के साथ में धनुष मार लेकर कंधे पर, सदा रहो मेरे हृदय में, ये कृपा कर दीजिए मुझ पर। प्रभु कहे, सुतीक्ष्ण तुमने जो मांगा मिल जाएगा, वो सब तुम्हें और इस समय इस वन में मिलने आया मैं अगस्त मुनि से। सुतीक्ष्ण कहे, हे प्रभु मैं भी अब आपके साथ चलूँगा। मुस्कुराए ये बात सुन लक्ष्मण श्री राम की ओर था देखा। मन ही मन लक्ष्मण कहे, भगवान को चतुराई देखो भक्त की, राम तो ये जानते ही थे कि क्या इच्छा है सुतीक्ष्ण की। अगस्त मुनि के आश्रम के दरवाजे पर पहुंचे, जब सभी सुतीक्ष्ण गए, हे प्रभु अब थोड़ी देर रुकिए आप यहीं। गुरु के पास पहुंचे सुतीक्ष्ण, चरणों में प्रणाम किया, उनसे कहे, गुरु जी आपकी दक्षिणा लेकर आया मैं आपके लिए। कहते हैं रामायण भगवान ने विराट रूप दिखलाया, बस दो को एक माता कौशल्या और दूसरे अपने भक्त सुतीक्ष्ण को। मातृवाच की गुरु दक्षिणा शिष्य अपने गुरु को देते और कुछ शिष्य ऐसे भी गुरु को मिला देते प्रभु से। थैंक यू।